हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ और इसकी डिमांड बहुत दिनों से आप लोग कर रहे हैं। ये वीडियो है कि गर्मी में गुलाब को हम कैसे बचाएं। ये जो वक्त होता है, ये जो अब स्टार्ट हो रहा है मौसम, ये हमारे गुलाब के लिए बहुत ही बुरा वक्त स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप इस बुरे वक्त में इनको हेल्प करेंगे और इनको बचा के रखेंगे, तो डेफिनेटली जब इनका अच्छा वक्त आएगा उस समय आपको सारी खुशियों से ये भर देते हैं। तो हमें अपने गुलाब को गर्मियों में कैसे बचाना है, आज इस पर मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो ये मैं बता दूँ कि जैसे ही ये मौसम स्टार्ट होता है, इस वक्त जो माइट्स है वो बहुत अटैक करता है। हालांकि पूरे सीजन में कभी भी माइट्स अटैक कर सकते हैं, थ्रिप्स कभी भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन थ्रिप्स जब हम प्रूनिंग करते हैं उस समय स्टार्टिंग में थ्रिप्स बहुत अटैक करते हैं, और जब गुलाब का समय ख़त्म होने लगता है फ्लावरिंग का, तो उस समय माइट्स बहुत अटैक करते हैं। तो आप अचानक देखोगे कि आपके बहुत हरे भरे पत्ते हैं, और अचानक एक दिन सुबह या दो दिन बाद देखोगे कि सारे जो अच्छे पत्ते हैं, कभी उसमें कुछ हुआ नहीं और सारे के सारे पत्ते गिर गए मुरझाकर। इसका मतलब है कि उसके अंदर माइट्स लगा है। तो इस समय माइट्स पे आपको बहुत काम करना है, उसके लिए अलग वीडियो है जो मैं आपको दे रहा हूँ मैं, और थ्रिप्स पे भी आपको काम करना है। तो ये हमारा काम हमेशा चलता रहता है माइट्स और थ्रिप्स पे। तो इस समय जो है आपको माइट्स से अपने प्लांट्स को बचाना है। उसके लिए क्या मेडिसिन देनी है, कैसे उसको बचाना है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर, गर्मियों में मेरे गुलाब अच्छे नहीं आते हैं, फूल छोटे आते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूँ कि गुलाब जो है सर्दियों का फूल है, गर्मियों का फूल नहीं है। तो गर्मी में फूल लेने की ज़रूरत नहीं है। गर्मी में आप ये सोचें कि हम अपने गुलाब को कैसे बचाएं, कैसे इसको सेव करें। फूल की ना सोचें आप, फूल आता है कोई बात नहीं, लेकिन वो छोटा ही फूल आएगा क्योंकि ये उसका मौसम नहीं है। आपका 6 महीना 5 महीने ये गुलाब बहुत फूल देता है, थोड़ा इसका रेस्ट का टाइम है। इस समय इसको रेस्ट देना होता है, इस समय इसको हमें बचा के रखना होता है। अब मैं डिस्कस करूँगा कि पानी का। आप ये देखिए कि जो गर्मी है, जो मौसम बढ़ता है, तो हमारे गुलाब के ऊपर एक तो गर्मी ऊपर से पड़ती है और एक गर्मी नीचे से पड़ती है। अगर जो छत पे गुलाब उगा रहे हैं, तो ये जो आप देखते हैं नीचे जो रूफ़ है, जो फ्लोर है, ये जैसे मैं बताना चाहूँगा, जो ये फ्लोर है, जब ये हीट होता है तो हीट होके आप 4 या 5 डिग्री बैक मारता है ये। और जब ऊपर से टेम्परेचर, आपके यहाँ टेम्परेचर अगर मान लीजिए 45 डिग्री है, दिल्ली के अंदर मेरा टेम्परेचर 48 डिग्री तक भी जाता है, तो 48 डिग्री प्लस 5 डिग्री अगर आप ऐड करते हैं, तो ये 53 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है ये गुलाब के आसपास का टेम्परेचर। तो हमें ये कोशिश करनी है कि इनका किस तरीके से हम मॉइस्चर मेंटेन करें, क्योंकि प्लांट के अंदर अगर डिहाइड्रेशन होगा, ये डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी, अगर पानी की कमी होगी प्लांट के अंदर, तो डेफिनेटली आपका प्लांट ख़त्म हो जाएगा। मैं अपने गुलाब पर कभी शेड नहीं देता, क्योंकि आंधी आता है और पूरा शेड उड़कर चला जाता है, तो मैं अपने गुलाब के ऊपर कभी शेड नहीं दे पाता। तो मैं कोशिश करता हूं कि इसको मॉइस्चर इसका मेंटेन करूं। और आपको पता है, आप सबको पता है कि डिहाइड्रेशन की कमी अगर इंसान के अंदर भी होती है, अगर डिहाइड्रेशन की कमी, तो इंसान भी कहीं भी चलते हुए गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम सबके साथ है। हमारे प्लांट्स में 80-90% वाटर होता है, तो अगर वो पानी की कमी होगी तो डेफिनेटली प्लांट्स हमारे मुरझाएंगे और सूखेंगे। तो सबसे पहला जो काम है कि आपको मॉइस्चर मेंटेन करना है। मॉइस्चर कैसे मेंटेन करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, ये तो प्लांट के साथ हुआ। आप अगर जैसे धूप ऊपर से पड़ रहा है, तो आप ऊपर नेट लगा सकते हैं, 0% या 80% के कई तरह के नेट मिलते हैं। अगर आपके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप नेट से अपने गुलाब को कवर कर दें। ध्यान रखें, सिर्फ ऊपर कवर करना है, साइड आप कभी कवर ना किया करें। अगर आप साइड भी कवर कर देंगे, तो प्लांट्स को एयर नहीं लगेगा और इसके अंदर कई तरह की बीमारियां फैल जाएंगी। तो साइड कभी भी आप कवर नहीं करें, सिर्फ धूप से आपको थोड़ा बचाने के लिए आप कर सकते हैं। दूसरी बात, ये भी कर सकते हैं कि मिस्ट आप लगा सकते हैं। अगर यहाँ पाइप वगैरह है, कुछ ऐसा आपके यहाँ फैसिलिटी हो सकती है, ऊपर से मिस्ट हो जाए,
या फुहारा लगना शुरू हो जाए, बहुत तरह की चीज़ें आ गई हैं आजकल जो आप लगा सकते हैं। आप सुबह और शाम तो पानी दे सकते हैं, कई बार आप ऑफिस में होते हैं दोपहर के टाइम में, तो दोपहर के टाइम में ऑटोमेटिक मिस्ट लगा सकते हैं, या घर वालों को बोल सकते हैं कि अगर स्विच ऑन करके वो फुहारा लगा दें तो गुलाब के ऊपर, तो वो टेम्परेचर बहुत मेंटेन हो जाएगा और बहुत ऑप्टिमम टेम्परेचर आपके गुलाब के आसपास हो जाएगा। तो एक तो आप ऊपर से जो आप हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम ऊपर ग्रीन नेट लगा सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, साइड नेट नहीं लगानी है, सिर्फ ऊपर से कवर करनी है। अगर आप नेट के साथ अगर मिस्ट लगा लें या बगैर नेट के अगर आप मिस्ट लगा लें तो उससे भी आपके गुलाब को बहुत फायदा होगा। ये तो बात हुई ऊपर की, अब हम बात करते हैं नीचे की। अगर आपका छत नीचे से 4 या 5 डिग्री अगर मारता है टेम्परेचर, तो यहाँ पे इसको आप कवर कर सकते हैं। जो जूट की बोरियाँ होती हैं, जो टाट की बोरियाँ होती हैं, बहुत आसानी से कपास की बोरियाँ जो होती हैं, वो आप अपने रूफ के चारों तरफ फैला के बिछा के रख सकते हैं। उसके ऊपर गमला रख दें या गमलों के बगल में आप उसको आप रख लें, तो उससे क्या होगा कि जब आप सुबह या शाम पानी देते हैं तो जो बोरियाँ हैं, जो जूट की बोरियाँ हैं, वो गीली हो जाएंगी और काफ़ी हद तक वो उनको सूखने में दोपहर तक का टाइम लगता है। तो उससे क्या होता है कि जो रूफ का नीचे का जो टेम्परेचर है, जो नीचे से जो बैक मारती है गर्मी, वो गर्मी आपको मारना बंद कर देगी। तो नीचे आप बोरियां लगा सकते हैं और बोरियों के ऊपर गमले रख सकते हैं या गमलों के बगल में आसपास बोरियां भर दें। इससे आपके छत को भी ठंडक रहेगी, आप नीचे रहते हो घर के नीचे तो आपके घर में भी ठंडक रहेगी, और जो बैक मारता है जो गर्मी वो आपके प्लांट के ऊपर नहीं लगेगा। तो आप नीचे से आप इस तरह से अपने प्लांट को सेफ कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये तो मैंने बताया ऊपर से आप कैसे अपने गुलाब को बचा सकते हो और नीचे से गुलाब को कैसे बचा सकते हो। अब आपका जो प्लांट है, जो गुलाब का आपका पौधा है, उसके साथ आपको क्या ट्रीटमेंट करनी है। कुछ इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा फूलों का, आप देख रहे हैं कैसे फूल मुरझाए हुए हैं, ये गर्मी का कुछ असर है। आप इतना कोशिश करो कि जितने लीव्स होंगे उतना प्लांट आपका सेफ रहेगा। तो कोशिश करनी है कि मैक्सिमम हम लीव्स को प्लांट के अंदर रिटेन कर सकें, लीव्स को गिरने न दें। इससे इसके लिए जरूरी है कि हम माइट्स के ऊपर जरूर काम करें। अगर माइट्स आपके प्लांट में लग गया तो आप अपने प्लांट के लीव्स को नहीं बचा सकते। दूसरी बात, मैं जब पहले जो एक वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें मैंने बताया था डोरमेंसी में कैसे प्लांट को रखनी है, उसमें हम बोलते थे कि ऊपर के जो बर्ड्स हैं या जो फूल मुरझा जाते हैं उनको काटना नहीं है। लेकिन इस टाइम में आपको जितने भी फूल हैं ये इस तरीके से काट के हटा देने हैं। जितने भी फ्लावर हैं, लीव्स हमें बचानी है, और जो फूल ख़त्म हो गए हैं ये हमें हटाने हैं, क्योंकि ये बहुत एनर्जी लेते हैं। इस तरीके से सारे फ्लावर्स को आप हटा दोगे। पहला काम आपको ये करना है कि अपने प्लांट्स के अंदर कोशिश करो हम फूल ना लें, और अगर आप फूल लेने की इच्छा भी है तो कोशिश करो कि जितना जल्दी हो उसको हम हटा दें। और इस तरीके से हमारा जो प्लांट है वो इस तरीके से कुछ दिखेगा। इस तरीके से हमारा सारा प्लांट बिना फूल का हो गया। पहला काम तो ये करना है कि हमें पत्तों को, मैक्सिमम पत्तों को रिटेन करना है। दूसरी बात जो हमें करनी है, इसके अंदर हम मल्चिंग करेंगे। प्लांट के अंदर मल्चिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो मल्चिंग कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये गुलाब मेरा सिंडर में लगा हुआ है, इसके ऊपर आप या तो कोकोपीट वगैरह रख सकते हो, या जो बहुत बढ़िया गोबर का खाद है उसके बड़े बड़े टुकड़े करके रख सकते हो इसके ऊपर। और सबसे जो बेस्ट तरीका, मेरे से बार बार ये सवाल किया जाता था कि सर आपके गुलाब में ये ग्रीन कलर का क्या लगा हुआ है, मैं आज उसका जवाब दे रहा हूँ। ये इस तरह का, ये मेरा 0% का एक ग्रीन नेट है ये, और इसको मैं बीच से इस तरीके से काट देता हूँ। एक तो इसके शेप का मैंने इसको काटा है, इस शेप का इसको बनाकर बीच से ये कट कर दिया है ताकि इसके अंदर मेरा ये जो स्टेम है वो चला जाए। जो ग्राफ्टिंग पार्ट है वो ये है, और इस तरीके से मैं कवर कर दिया इसको। अगर आप चाहें तो इसको, अगर आपके यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप इसको 2 लेयर लगा सकते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से अगर लगा लेते हैं तो एक तो इसके अंदर जो एयर
आपका फ्लो है वो जाता रहेगा, पानी देने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको मल्चिंग कर सकते हैं, ग्रीन नेट से मल्चिंग कर सकते हैं और इस तरह से आप कवर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पानी जो इवोपरेशन जो है, इवोपरेशन जो रेट है, पानी निकलने का जो रेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा और बहुत देर तक इसके अंदर पानी स्टे कर सकता है, रूट में स्टे कर सकता है, रुक सकता है। अगर पानी सूख जाएगा तो हमारे प्लांट के अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से हम ये ग्रीन नेट लगा देते हैं और आप एक लेयर या दो लेयर लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से आप देख लें। और इसके जगह आप जूट की बोरियां भी लगा सकते हैं, जो आपको फैसिलिटी हो इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो मिट्टी में अगर गुलाब आप लगा रखे हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऊपर से 2 इंच तक मिट्टी को हटा दें और वहां पे 90% गोबर और 10% गोबर का बहुत बढ़िया खाद, जो वेल रोटेड पुराना गोबर है उसका बहुत छोटा छोटा पीस नहीं करना है, थोड़े मोटे पीस रखने हैं और बहुत बिल्कुल बारीक नहीं कर देना, बारीक कर दे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें 10% गार्डन सॉइल मिला के आपको ऊपर से कवर कर देनी है और उसके बाद आपको पानी देना है। और पानी उससे देंगे तो उससे क्या होगा कि रूट के अंदर जो है मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रखना है। गर्मी में हमें कोशिश यही करनी है कि प्लांट के अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होने दें, मॉइस्चर मेंटेन करें। अगर आप मॉइस्चर मेंटेन करना सीख गए तो आपका प्लांट गर्मियों में कभी नहीं मरेगा। फ्रेंड्स, वाटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के अंदर, गुलाब के अंदर, और इस पे मैं बहुत डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आपको पानी किस तरीके से कितने मात्रा में आपको देनी है। सुबह और शाम आपको पानी ज़रूर देना है। सुबह में आप अपने गुलाब को, अगर आप ऑफिस जाते हैं या किसी काम पे जाते हैं तो पूरा गुलाब को नहला कर जाएं और शाम को ज़रूर आकर नहलाएं और हो सके तो थोड़ा रूट में आप पानी ज़रूर दें। मॉइस्चर मेंटेन करना है। अब आपको ये जज करना है कि मेरे सॉयल के अंदर, मिट्टी में पानी है या नहीं है। हमें ये खोद कर देखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर अपर लेयर ड्राई है तो डेफिनेटली हमें पानी देना है, चाहे सॉयल मीडिया हो या कोकोपीट मीडिया हो या खंगर हो। खंगर में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है पानी की, लेकिन खंगर में भी पानी कई बार ये होता है कि रूट बहुत कलेक्ट हो जाता है, रूट बाउंड हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि पानी निकलता नहीं है। आपको पानी बहुत पसंद है लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए पॉट के अंदर, पानी निकल जाना चाहिए। अगर पानी नहीं निकल रहा है आपके पॉट के नीचे से तो आप संभल के कैलकुलेटेड वे में पानी दें, इतना पानी दें कि वो पानी रुके नहीं, पूरी रूट जोन में पूरी तरह से पानी फैल के पड़ा रहे या हमारा प्लांट जो है उसको कंज्यूम कर ले। एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए हमारे प्लांट के अंदर। अब कैसे पानी देना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। गुलाब को आप इस तरीके से नहलाएंगे, पत्तों के नीचे से जरूर नहलाएं। इस तरीके से मॉइस्चर मेंटेन करना है। आप जैसे अभी मैं पानी डाल रहा हूँ, आप देखेंगे थोड़ी देर में पानी नीचे से निकलना शुरू हो जाएगा। और जब इस तरीके से पानी देते हैं और अगर नेट से आप मल्चिंग किए हुए हैं तो पानी बहुत ही आसान तरीके से चारों तरफ फैल जाता है और एक जगह इकट्ठा नहीं होता। अभी थोड़ी देर में पानी निकलना शुरू हो जाएगा और अगर पानी निकल रहा है नीचे से आपके पॉट के नीचे से तो आपको कोई टेंशन लेने की, पानी निकलना शुरू हो गया आप नीचे देखिए तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि आप कितना भी पानी दे दें गुलाब के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पानी नहीं निकलता है तो आपको सोच समझ के पानी देना होगा और इस तरीके से सुबह और शाम अपने गुलाब को नहलाना जरूरी है। अगर जिनके पास इस तरह का शावर नहीं है वो बैटरी ऑपरेटेड आजकल शावरिंग मशीन आ गई हैं वो यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से अपने गुलाब को नहला सकते हैं। और अगर ऐसा आप करेंगे तो कभी भी आपके गुलाब में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका प्लांट कभी भी नहीं सूखेगा। रोज़ ग्रोइंग में ड्रिप इरिगेशन भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है जो मैंने अपने गुलाब में लगाया हुआ है। जो एक मोटर होता है जो टंकी से मेरा अटैच है और जैसे ही मोटर चलाता हूँ पाइप के थ्रू सारे गमलों में पानी पहुँच जाता है। जैसे ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये आप देख रहे हैं ड्रॉप ड्रॉप करके ये पानी निकल रहा है और ये एक अच्छा ऑप्शन है। धीरे धीरे सारा जो हमारा खंगर है, जो सिंडर है, उसको ये गीला करता रहता है और इस तरीके से धीरे 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 इसके स्लो रिलीज वाटर होता है तो इसको ईजी होता है कवर करने में पूरे सिंडर को। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इस तरह से ड्रिप इरीगेशन लगा के भी आप अपने गुलाब को गर्मी से बचा सकते हैं। और एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि अगर आप कुछ ऐसा पॉट लेते हैं, जैसे इस पॉट को आप देखिए, इस पॉट में इतने सारे होल्स हैं,
कई लोग मेरे से पूछते हैं सर आप गर्मी के दिनों में कैसे इस पॉट को मैनेज करते हैं आप। अगर आप वाटर मैनेजमेंट सीख गए, मॉइस्चर प्लांट के अंदर बनाना सीख गए, तो आपके लिए सर्दी और गर्मी में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये पॉट मैं यूज़ करता हूँ, इसके अंदर इतने सारे होल्स हैं और ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्लांट्स गर्मियों में मरते क्यों हैं। एक्चुअली जो भी मीडिया इसके अंदर है, वो मीडिया में अगर एयर फ्लो प्लांट के अंदर, रूट के अंदर प्रॉपर हो रहा है, तो आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा। होता ये है कि जब कोई ऐसी मिट्टी हम लगा देते हैं जो बहुत ही हार्ड होती है, और उसमें जब आप टेम्परेचर 40-45 डिग्री या 47 डिग्री, यहाँ दिल्ली में 48 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है, जब उसमें आप पानी डालते हो उस ऐसे मीडिया में, वो पानी अंदर जाता है और उससे जो रूट होता है उसके अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ती है, रूट्स सफोकेट हो जाते हैं और हमारा प्लांट मरना शुरू हो जाता है। ये कारण है प्लांट मरने का गर्मी में। अगर आप अपने प्लांट को अच्छी मीडिया देंगे जिससे एयर फ्लो आसानी से प्लांट के अंदर हो सके, जैसे ये है, इसके अंदर एयर फ्लो बड़ी आसानी से हो जाएगा, ये मैं खंगर में लगाऊं और मिट्टी का अच्छा कंपोजिशन बनाऊं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई भी प्लांट गर्मी में नहीं मरेगा। आपका टेम्परेचर चाहे 45 डिग्री हो, 48 डिग्री हो, आपको कोई कवर करने की भी ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को। आपको बस ये सीखना है कि आप अपने प्लांट के अंदर मॉइस्चर कैसे मेंटेन कर सकते हो, पानी कैसे देना है, गर्मी में फीडिंग कैसे करनी है, वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कब और किस तरीके से आपको फीडिंग करनी है, वो भी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले अभी आप ये स्टार्ट करें कि हम गर्मियों में अपने प्लांट को कैसे मॉइस्चर मेंटेन करें और कैसे पानी दें और कैसे इनको मरने से बचाएं। अगर आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे, प्लांट स्वस्थ रहेंगे, तभी आप उनको फीडिंग देंगे, तो उस फीडिंग का आपके प्लांट के ऊपर असर होगा। अगर आपके प्लांट बीमार हैं तो आप कोई भी फीडिंग दे दो, वो आपके प्लांट के ऊपर कोई उसका असर नहीं हुआ, प्लांट उसको रेडी नहीं होगा उसको लेने के लिए। फ्रेंड्स, 4-5 साल पहले मैं बहुत परेशान होता था। आप मेरे आसपास ये गुलाब देखना इतना भरा हुआ है, मैं आपकी तरह बहुत परेशान होता था। मेरे गर्मी में गुलाब सारे मर जाते थे और बहुत परेशान होता था उनसे, लेकिन धीरे धीरे मैं सीखता गया और कैसे गुलाब को बचाना है वो समझ गया मैं। आप भी धीरे धीरे सीख जाएंगे, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, ऊपर से कवर करने वाली मिस्ट की, वाटरिंग की, या नीचे कवर करने की, या मल्चिंग की, ये जितने भी मैंने तरीके बताए हैं, अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपके गुलाब में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका गुलाब हरा भरा रहेगा। मैं अपने प्लांट को बहुत बड़ा नहीं करता, मैं हार्ड प्रूनिंग करता हूँ या सेमी हार्ड प्रूनिंग करता हूँ, ताकि मैं गर्मियों में गुलाब को अच्छे तरह से मेंटेन कर सकूं। और मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, तो छोटे प्लांट होने की वजह से मेरे को अपने प्लांट को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। प्लांट जितना बड़ा होगा, प्रॉब्लम थोड़ी उतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आपको कम क्वांटिटी में गुलाब रखने पड़ेंगे। तो इट्स योर विश कि आप कितना बड़ा प्लांट करते हैं और कितने प्लांट आप रखते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। आप अपने स्पेस के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से अपने गुलाब को, आप गुलाब का शौक पूरा कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें, एंड कीप ब्लेसिंग्स।